टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर का वर्क क्या है, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग क्या है, और ट्रांजिस्टर का प्रिंसिपल क्या है, और ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग क्या है, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे काम करता है और दिखता कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है अपना ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर में कैसा है कि ये ट्रांजिस्टर के बगैर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मुकम्मल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो अपना बवंडर जो फैला हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का काम जो है एम्पलीफिकेशन करना और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बूस्ट करना। और ये दिखने में भले आपको साधारण दिख रहा है, बट इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट में पावर नहीं आएगा और एम्पलीफिकेशन नहीं बनेगा। इसकी जो तीनों टर्मिनल जो दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं बेस, एमिटर और कलेक्टर। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का काम करता है। और एमिटर के अंदर में अब कैसे पता करेंगे कि हमारा एमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो उसके लिए हम जुड़े रहिए, अभी हम उसको कंटिन्यू में बताएंगे। बस ये समझ लिए मोटा मोटा कि एम्पलीफिकेशन करना और ऑसिलेशन करना और स्विचिंग सर्किट वगैरह के अंदर में ये आपको लगेगा ही, मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। और ये एक ऐसा साधारण कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मदरबोर्ड के लिए बोलो या स्विचिंग के लिए बोलो या एम्पलीफिकेशन के लिए बोलो या ऑसिलेशन के लिए बोलो, ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको बताओ? ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार? NPN और PNP। कौन सा? NPN और PNP। फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म क्या है इसका? नेगेटिव। अरे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ये तो उसका क्या है इसका? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये करंट को कलेक्टर से एमिटर की तरफ बहने देता है, कलेक्टर को एमिटर की तरफ बहने देता है। अब इसकी मिसाल कैसे समझेंगे हम, तो जैसे कि हम जो नल है ना, नल तो नल के अंदर में, नल के अंदर में कैसा है, हम लोग अभी क्या है कि रात का 2 बजे का टाइम है, तो 2 बजे ये हमारे सलमान भाई है, इनको मैं यही बता रहा था अभी, ठीक है। अरे बता तो मेरा था। तो वही अभी हम समझा रहे हैं इनको, पानी का जो नल होता है ना, पानी का नल, वो बंद नहीं करेंगे तो टपकते रहेगा, बहते रहेगा। अब डिपेंड करता है कि वो पानी का नल जो है, ये हमारा जो नल है, नल इसकी जो ये टोटी है तुम कितना साइज में इसको खुले रखेंगे उसी प्रकार से इसका पानी बहता हुआ रहेगा, चाहे तो स्पीड या फिर ये हमारे हाथ में। तो एज अ कंट्रोलर काम करता है हमारा। तो ये जो टोपी दिख रही है आपको, टोपी को हाफ खोलो या पूरा खोलो ये अपने ऊपर है, ठीक है। तो बेस में पॉजिटिव सप्लाई हमेशा होना चाहिए इसका। तो ये हमारा मान के चलो ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर की जो टाइप है, विक्रम सर की स्टाइल, ट्रांजिस्टर की जो टाइप है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, और कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता। अगर तुम स्कीमेटिक में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये तो SIIT वाले का तपस। तो फिर ये जो है ये बेस है, थोड़ा फॉर्म में हम लोग जरा अभी, तो आप लोग खाली नॉलेज पे ध्यान दो, मस्ती पे ध्यान मत दो हमारी, क्योंकि अपना चैनल। तो ये जो है ये देखो, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया, इसका मतलब कि ये NPN है। NPN क्यों है? क्योंकि ये जो एमिटर है ये देखो आउटवर्ड है, ठीक है। रात में हम खा रहे हैं कुछ तो एमिटर है, तो ये आउटवर्ड है। और दूसरा वाला ये कलेक्टर और ये बेस और ये एमिटर, ये इनवर्ड है, इनवर्ड है। इस तरह का आपको अगर स्कीमेटिक में सिंबल दिखता है तो इसका मतलब ये PNP है, ठीक है।
किसी भी एक पिन पर हम मतलब प्रॉब लगाएंगे, चाहे वो क्या है, मल्टीमीटर है क्या अपने पास? मल्टीमीटर लेना पड़ेगा यार भाई, अरे अभी है नहीं। अभी इस वक्त कैसा है कि ये देखो सलमान है ना, इसके पास अभी मल्टीमीटर ये है लेकिन इसका प्रॉप गायब है। देखो इसका प्रॉप गायब है तो, अरे रूम क्यों बता रहा? नहीं रूम नहीं दिखा रहा। तो ठीक है अभी मल्टीमीटर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तुम्हारे पास तो होगा बंद करना उससे तेरी आवाज। ये देख एक दो और ये तीन। तो मान लो कि हम अरे यार इसको हटाओ ना यार। मान लो कि हम रेड प्रूफ को हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मान लो बेस है, और मान लो ये हमारा, मान लो ऐसा ये रेड प्रूफ है, ये बेस है अब और ये ब्लैक प्रोब है। ब्लैक प्रोब को हम जब यहाँ पे रख रहे हैं तो मल्टीमीटर के अंदर में रीडिंग चेक करना है हमको, अगर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये पिन हमारा बेस हुआ, यहाँ दोनों में रख के अगर वैल्यू आ रही है तो ये हमारा बेस हुआ। अगर फिर हमको रीचेक करना है तो प्रोब को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू आ रही है तो हमको कुछ आगे बोलने करने की ज़रूरत ही नहीं है, कन्फर्म हो गया हो रीडिंग। हमको चेक करना है रेड प्रोब या ब्लैक प्रोब को एक मतलब लैक पर रखना है। मान लो फिलहाल में एग्जांपल के तौर पे कि यहीं रखे हमने, तो ये दोनों को हमको चेक करना है कि वैल्यू आ रही नहीं आ रही। अगर वैल्यू आती है तो कंफर्म हो गया कि बेस है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि एमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है, तो रीडिंग किसका ज़्यादा आ रहा वो काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि रीडिंग इसका सेम रीडिंग नहीं आना चाहिए। समझ गया क्या? नहीं समझा तो मेरे भाई लोग जो वीडियो देख रहे हो वो समझ ही जाएंगे। तो उन लोग को भी पता है, मोहसिन मिर्जा लाइव बताता है, कोई फिल्टरेशन नहीं है बाकी इंस्टीट्यूटों के जैसा। तो सेम रीडिंग नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट रीडिंग भी नहीं आना चाहिए एकदम। मतलब जैसे कि मान लो कि कलेक्टर की 200 रीडिंग आ रही है तो बेस की जो आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। 500 पकड़ के चलो, ये एमीटर की शायद, सॉरी बेस का नहीं होता, एमीटर की 500 आ रही है और कलेक्टर की 200 आ रही है। तो कभी भी याद रखना एमीटर का जो सीन रहेगा हमारा हाई रहेगा हमेशा, एमीटर का जो सीन रहेगा हमेशा हाई रहेगा। तो हमारा ट्रांजिस्टर ओके है, मकान वाले के अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ तो कुछ भी पता नहीं चलेगा अपने को, ना एमीटर का पता चलेगा, ना कलेक्टर का पता चलेगा, और ना बेस का पता चलेगा। तो पेज को पलटाते हैं हम, तो रात में रूम खाली नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ तो हमको कुछ भी वही पता नहीं चलेगा, ना बेस ना कलेक्टर ना एमिटर। तो इसका आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बताया अभी। अब मैं जो बता रहा हूँ इसको भी सुन लो गौर से, एक में रीडिंग आ रहा है और दूसरे पर हमको नहीं रीडिंग आ रहा है, ठीक है। एक में रीडिंग आ रहा, अरे यार ऐसी बना देता ना, एक में रीडिंग आ रहा और दूसरे में नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? खराब है, बेस नहीं है ये बेस जो है बेस वो नहीं मिल रहा हमको। एक में रीडिंग आ रहा दूसरे में नहीं आ रहा ना, तो बोली की तो रेट को हमको क्या करना है, चेंज करना है। फिर ये जो रेट को हमने बताए थे इधर में, ये जो बताए थे अपन इधर में रेड वाले प्रोप को, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्लैक प्रोब लगाना है। अगर ब्लैक प्रोब लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर हमारा ट्रांजिस्टर डेफिनेटली ख़राब है। और फिर अपने को ये पता करना है कि जो बेस पे हम प्रोब रख रहे हैं रेड वाला, वो NPN ट्रांजिस्टर है या PNP, ये कैसा पता करेंगे? तो दोनों पर रीडिंग नहीं आ रहा अगर, तो हो सकता है कि वो PNP है, ऐसा भी तो हो सकता है। हम डिक्लेयर तो नहीं कर सकते उसको कि भाई ख़राब है, नहीं तो पता चल रहा है कि आप ट्रांजिस्टर को चेंज ही कर डाल रहे। तो पहले PNP और NPN का पता करो। तो ब्लैक प्रोब को हमको यहाँ पे रखना है और बस बेस पर रेड से, या ये मतलब ये जो तुम्हारा बेस है यहाँ पर रख के, ये रेड से रेड और ब्लैक से और रेड से रीडिंग नहीं आ रही है अगर, तो ट्रांजिस्टर ख़राब है। रेड से भी और ब्लैक से भी।